सीएम धामी ने किए दक्षिण काली मंदिर के दर्शन, कहा 60 पार का नारा होगा सफल, और साथ ही कहा कि विपक्ष की खुशी धीरे धीरे कम हो जाएगी। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, पुष्कर सिंह धामी को बताया हम्बल सीएम, राज्य में 48 सीटें आने का किया दावा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी, देहरादून नगर आयुक्त ने बताई कार्य योजना, अभियान के लिए नोडल अधिकारी किए नियुक्त। पहाड़ों में बदलेगा मौसम का मिजाज, 23 तारीख तक हल्की बारिश के आसार, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेंगी हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार जो नारा बीजेपी ने दिया था 60 पार का नारा है वो सफल होगा। पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, हर जगह पर कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि विपक्ष की खुशी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दिल्ली, चूंकि मैं वहाँ निजी कार्यक्रम था उसमें गया हुआ था और सभी से भेंट करी है, सभी को, चूंकि चुनाव के बाद लंबा समय हो गया था, भेंट नहीं हो पाई, सभी से सामान्य चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी सुनने में आप जा रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी जो है पार्टी संगठन की आवश्यकता अनुसार काम करेंगे। सर, संतों का आशीर्वाद आज ले रहे हैं आप? संतों की कृपा के बिना तो जो है भगवान का आशीर्वाद भी नहीं मिलता, इसलिए संतों के पास आए हैं, चूंकि संतों का हमारे यहाँ पर धर्म की संवर्धन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए सभी संतगणों से मैं मिल रहा हूँ। कुछ संतगणों का आशीर्वाद हमेशा से हमको मिलता रहा और अभी भी आशीर्वाद दिया। कितनी सीटें आ रही हैं सर? अब की बार हमने 60 पार का नारा दिया। अच्छा, जो जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? वो फोरम पर बात होगी। देखिए, बात के लिए कहा है, सभी लोगों को हमने कहा है कि सभी लोग संयम बरतें, सभी जगह पर, सभी जगह हमारी नई पार्टी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है, हर जगह पर कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, सभी ने अच्छा काम किया है और बड़ा उत्साहपूर्वक वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। काफी कुछ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हमारे पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही हम्बल सीएम हैं, और साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जिन्होंने अच्छा और निर्भीकता से काम किया है उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास को लेकर कहा कि हम किसी से भी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, हमें विकास के लिए समय चाहिए। बड़े भाई के पास जाना ही चाहिए, छोटे भाई को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। मैं एक बात तो मानता हूँ कि हमारे पुष्कर धामी जी बहुत हम्बल चीफ मिनिस्टर हैं, ये ठीक है। जो है चीफ मिनिस्टर वो मुझको खनन प्रेमी और लूट प्रेमी लगे वो बात अलग है, लेकिन हम्बल व्यक्ति हैं। उत्तराखंड का ये गुण उनमें है कि वो नम्र आदमी, विनम्र आदमी। बड़े अफसरों को कि कांग्रेस आ रही है, देखो खलबली मची हुई है, ये लफ्ज हम जिन्होंने अच्छा किया है उनको, किसी को जिन्होंने निर्भीकता से और निष्पक्षता से अपना काम किया है उनको अपने विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, और हमको भी तो उन्हीं के सहयोग से काम चलाना है। कांग्रेस को भी, मैं कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस कहीं भी बदले की भावना से किसी से काम नहीं करे। हमारे पास राज्य की तस्वीर को बदलने का के लिए समय चाहिए हमको, हमको हम किसी से बदला लेने के लिए नहीं आ रहे। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में किसानों के हितों को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि यहां भी एमएसपी पर
खरीदी नहीं होती है और साथ ही यहाँ के किसानों को जंगली जानवरों से भी बहुत परेशानी होती है। पानी का प्रबंध नहीं है, फसलें कम रेट पर बनती हैं और इसलिए सरकार को किसानों के लिए हिल स्टेट में ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी देनी चाहिए और इसी के साथ में उन्होंने कई मुद्दे सामने रखे। फसलें वो भी कम रेट में बेचता है और जब तक वो मंडी में आता है तो रेट उसका जो किराया है वो उसका बढ़ता है। तो हमने कहा कि सरकारों को कि खास करके हिल स्टेट में उनको आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आप दो, खेत से मंडी तक व्यवस्था सरकार करवाए। अगर उसकी मंडी दिल्ली की है, देहरादून की है या हरिद्वार कहीं की भी है तो मंडी की जिम्मेदारी सरकारों की है, तो उससे यहाँ के किसानों को फायदा हो सकता है। एक नेशनल पॉलिसी एक बन जाए 25 साल की और उसमें 10 से 12 एजेंडे आप तय कर लो, सरकार किसी की भी बने उस एजेंडे पे काम कर रही या नहीं कर रही, तो ये पॉलिसी देश में बननी चाहिए, यही पॉलिसी स्टेट में बननी चाहिए। इसको उत्तराखंड में यहाँ पे टूरिज्म पे हम बहुत काम कर सकते हैं और बहुत पैसा जो बड़े बाहर के लोग यहाँ पर आने के व्यापार करते हैं, वे बड़े बड़े होटल्स वे बनाते हैं और वो फिर पैसा बड़े शहरों में जाता है। हम विलेज टूरिज्म की पॉलिसी है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों ने अपनी विधानसभा को लेकर कई सारी बातें सामने रखी है, उन्होंने कई मुद्दों पर भी निशाने साधे हैं और इसी के साथ में आपको बता दें कि बीजेपी में लगातार घमासान जारी है। भीतरघात की आशंका जब बनी हुई है, पार्टी के अंदर चल रही इस जद्दोजहद के बीच सरकार में कैबिनेट मंत्री बीशन सिंह चौफाल ने भी इस मामले पर बोलते हुए कहा कि पार्टी के प्रत्याशी बागियों से घबरा रहे हैं। ऐसे ही भी विपक्ष विधानसभा सीटों पर भीतरघात करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो केंद्र की सरकार के बेहतर काम की बदौलत उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है और लोग योजनाओं के लाभ को स्वीकार भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीतरघात किन विधानसभा सीटों पर हुआ है ये रिपोर्ट पार्टी संगठन तैयार करेगा और उसके बाद ही विभिन्न विधानसभा सीटों पर हुए भीतरघात की असल स्थिति सामने आ पाएगी। लेकिन भीतरघात की तो रिपोर्ट अब तो सीधे संगठन को आई होगी, लेकिन बागी जो थे प्रत्याशी वो बागी प्रत्याशियों के उससे लोगों को डर लग रहा है कि भाई कहीं बागी प्रत्याशी कितना वोट काटेगा। लेकिन भीतरघात की रिपोर्ट जो बाहरी जगह से वो तो संगठन को देंगे, संगठन वाले तय करेगा कुछ विधानसभाओं में, जो हमने चैनलों के माध्यम से सुना। जहाँ तक है कि मेरी विधानसभा में तो कोई इस प्रकार का विषय भी नहीं आया, कोई किसी ने भीतरघात किसी ने नहीं किया। तो जो लोग विरोधी पहले से तो अभी भी वो विरोधी होंगे, हमेशा वो विरोध कर रहे हैं तो उनको विरोध रोक थोड़ी सा पार्टी के नहीं हुए। इसलिए पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पार्टी के 70 विधानसभाओं का रुझान आ रहा है उससे लग रहा है कि भाई जो केंद्र के योजना है उसका लाभ आम जनता को, प्रदेश की जनता को मिल रहा है और प्रदेश सरकार ने भी जो हमने 5 साल के अंदर जो वायदे किए थे जनता के बीच में, हमने 2017 में उसी के अनुरूप हमने जनता के बीच में जाकर काम किया, उसका फायदा हमको इस चुनाव में दिखाई दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। मुलाकात में कांग्रेस ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आरक्षण को लेकर शिकायत दर्ज की। मीडिया से मुखातिब होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि ये आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी ने आरक्षण को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, जबकि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। हमारी ये चिंता है कि ऐसे समय में कि जबकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर, ऐसे में हरिद्वार में जिलाधिकारी द्वारा पंचायतों में आरक्षण को तय करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना ये अनैतिकता है, नियम के विरुद्ध है। दूसरी बात, हमें ये भी आशंका है कि वहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं वो अपने प्रभाव का उपयोग करके जिलाधिकारी के माध्यम से पहले से ये तय करना चाहते हैं कि किस पंचायत में कौन सा पद आरक्षित हो, तो ऐसे में ये हमारी शिकायत जायज़ है। हम चुनाव आयोग के पास गए और चुनाव आयोग ने भी इसे जायज़ माना और चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक भारत सरकार से हमें इस पर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक भारत निर्वाचन आयोग से जब तक ये दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक ये कार्रवाई गतिमान नहीं रहेगी। लेकिन सर अध्यक्ष
शायद है जिन्होंने खासतौर पर हरिद्वार में जो पंचायत है उसको लेकर ज्ञापन आपको सौंपा, उसकी यथास्थिति अभी क्या है सर? सर कैमरा फेस। सर कैमरा। जिस संबंध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अभी आया था और ज्ञापन उन्होंने दिया है, उस पर जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा पूर्व में ही परामर्श चाहा गया था और कल ही में उनको परामर्श दिया जा चुका है कि जब तक भारत निर्वाचन आयोग से कोई परामर्श इस पर प्राप्त नहीं हो जाए। इंद्रो देहरादून में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर नगर निगम तैयारियों में जुटा है। शहर को स्वच्छ रखने में प्रचार प्रसार करने को लेकर भी दिसंबर में नगर निगम की बोर्ड बैठक में इसके लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई थी। इससे स्वच्छता उपकरण और वाहन भी खरीदे जा रहे हैं। इस बीच नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला ने स्वच्छता को बनाए रखने की अपील की है। जनवरी से देश के स्वच्छ शहरों के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 भी शुरू हो चुका है। इसके लिए निगम ने कार्य योजना तैयार कर ली है। अगले 1 महीने तक वृहद पैमाने पर अभियान चलाकर शहर को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाएगा। समस्त 100 वार्ड में अभियान चलेगा और बाकायदा नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन के विरुद्ध भी अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है। सड़क किनारे रखे कूड़ेदानों से वक्त पर कूड़े उठे और ये सुनिश्चित किया जा रहा है और डोर टू डोर कूड़े का उठान करने वाले वाहनों का भी समय पर भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इससे लोग स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जागरूक हों और अपना फीडबैक नगर की जो भी हमारी स्वच्छता की सुविधाएं हैं उनके बारे में दें। और मेरा अनुरोध रहेगा सभी नगरवासियों से कि वो स्वच्छता ऐप का भी लाभ उठाएं और जहां कहीं भी उनको सफाई व्यवस्था में कहीं कमी नजर आती है तो उसकी शिकायत या उसकी जानकारी स्वच्छता ऐप पे भी दें तो नगर निगम कार्रवाई करके उन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से करेगा। और इसके साथ ही एंटी प्लास्टिक और एंटी लिटरिंग कैंपेन्स अब चलाए जाएंगे शहर में। एंटी लिटरिंग कैंपेन अभी भी चल रहे हैं विभिन्न एरियाज में, हमारी टीमें जा जाके चालान काट रही हैं जो कहीं भी लोग कूड़े को फैला रहे हैं या गंदगी कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि स्वच्छता के कार्यों में नगर निगम के स्टाफ का, पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम का पूरा सहयोग। लक्सर में कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को जरूरी टीके नहीं लगाए जा सके। स्वास्थ्य विभाग मिशन इंद्रधनुष चलाकर अधूरा टीकाकरण पूरा कर रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग ने 7 मार्च से शुरू हो रहे मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण के लिए ANM और आशा फैसिलिटेटरों को प्रशिक्षण दिया और हरिद्वार से आई जिला सहायक अधिकारी डॉक्टर कोमल सहरावत ने मिशन इंद्रधनुष को लेकर CHC पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव के लिए महिलाओं को गर्भधारण के दौरान कई प्रकार के टीके लगाना जरूरी होता है, ऐसा ना होने पर प्रसव के समय में कठिनाई होती है। टीकाकरण में लापरवाही से कई बार जच्चा या फिर बच्चा या दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमारा टीकाकरण कम हुआ है 0 से 2 साल तक के बच्चों का, वहाँ हमारा पूरे हरिद्वार में हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है। जो हमारी आशाएं हैं आंगनबाड़ी के सहयोग से और हमारी ANM घर घर जाकर के जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो ड्रॉप आउट का मतलब एक इंजेक्शन मिल गया, दूसरा इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगवा, किसी कारण से बाहर चले गए या बीमारी के कारण, तो उन बच्चों को हमें चिन्हित करके अपने सब सेंटर पर लेके आना है। एक होता है घुमंतु बच्चे, जो लेफ्ट आउट जो बच्चे घूमते रहते हैं या बागड़ी या अन्य होते हैं, उन लोगों को भी हमें लाना है कि बच्चा कोई भी छुट ना जाए उसको। चमोली जिले के दशोली ब्लॉक के सिरो गांव में आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि देश और दुनिया डिजिटल इंडिया की बात करती है लेकिन हमारा गांव अभी भी सड़क की राह देख रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि हमने काफी कोशिश की सड़क के लिए लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। बता दें चले कि गोपेश्वर मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव है। इस गाँव में 70% लोग आर्मी से रिटायर हैं लेकिन सड़क ना होने के कारण काफी लोगों ने यहां से पलायन कर दिया है, क्योंकि यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे डंडे या फिर कंडे के सहारे सड़क मार्ग तक ले जाया जाता है। यहां तक कि इस क्षेत्र में पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है, इससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगी जो कोयल देवी जी ने कहा है, सबसे मेन समस्या हमारे रोड की है। कई बार हम DM के पास गए
अगर वहाँ पर हमने अपनी समस्याएं रखी, प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमने ये तक कहा कि हम रोड पे धरना देंगे, प्रशासन ने तब भी हमारी सुनवाई नहीं की। हमारी सारी गांव की महिलाएं, ये बुजुर्ग हैं, इनके घुटनों में दर्द है, ये ऐसे डंडी कन्नियों में जा रहे हैं, कभी किसी की रात की तबीयत खराब हो जा रही, कौन ले जाएगा यहाँ से कुड़ियाल से, सारे लोग ऐसे ही कुछ कई लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं। हम शासन प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमको रोड मिले, और हम शासन से ये भी कहते हैं कि अगर हमको हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कोठियाल सेठ में धरना देंगे। वहाँ पर सारे गांव के बुजुर्ग महिलाएं सारी वहाँ पर जाकर के बैठेंगे और हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, यही कहना चाहूँगी शासन से। और जो भी सरकार है हमारे गाँव में रोड आएगी, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद। न तो एक रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। फिर हमने 15 अगस्त को जिला परिषद के रोड में दसौली ब्लॉक के भूतपूर्व सैनिक की मीटिंग थी, हमने विधायक साहब से बोला है कि हमारे यहाँ रोड दे दो। विधायक साहब ने हमको बोला उस अंदर हॉल में 800 आदमी के बीच में कि हम दूर दराज की रोड बना रहे हैं, टाइम लगेगा तो तब देखेंगे तुम्हारे गांव के लिए रोड। और हम आशा तब से कर रहे हैं जब चमोली जिला खुला, उस समय से रोड रोड रोड, न रोड है न रास्ता है। आज से 2 साल पहले एक बच्चा हमारा बीमार हुआ, हम गोपेश्वर ले जा रहे थे, ये पार गोरों गाँव है वहाँ पर जाने को उसने दम तोड़ दिया। दूसरा बच्चा हमारा पिछले साल यहाँ आपदा से गिरा, उसको हम गोपेश्वर ले जाते उसने पोखरे बैंड में दम तोड़ दिया। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें, वोट देने के लिए हर कोई बोला हमको दो। इससे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों आना जाना, कई लोग औरतें हैं या कोई भी अगर बीमार हो गया उसको कुठियाल से ले जाने के लिए बड़ी समस्या है, यही रोड की समस्या सबसे ज्यादा है। बाकी तो वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज, राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। बाजपुर चीनी मिल में आउटसोर्स पर कार्य कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों पर किसान के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। ठेकेदार के कर्मचारियों ने गन्ना लेकर आए किसान के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते किसानों ने चीनी मिल को बंद करा कर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे चीनी मिल के अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर दी। ये लगभग 1 घंटा पहले की घटना है जो मेरे संज्ञान में भी आई थी, बल्कि मैं यहीं पे बैठा हुआ था गेट पे ही, तो मैं भी भाग के गया मौके पे। तो वहाँ एक ठेकेदार की लेबर है जिसने हमारे किसान भाई के साथ मारपीट करी है, और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है और वो हमने कर रहे हैं, और GM साहब के संज्ञान में भी लाया गया और GM साहब को भी लिखा गया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और प्राथमिकता दर्ज करने के लिए भी थाने में भेजा जा रहा है। हाँ, कुछ देर चीनी मिल भी प्रभावित रही है और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अब कार्रवाई के लिए तो हमने लिख दिया और मिल चलाने के लिए इनसे प्रयास कर रहे हैं, अनुरोध कर रहा हूँ। इस बार महाशिवरात्रि पर लाखों शिव भक्तों के नीलकंठ मंदिर में पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इस साल कोरोना का कहर काफी कम है और सरकार की ओर से भी ज्यादातर प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में शिव भक्तों ने कांवड़ लेकर नीलकंठ की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। सोमवार को हजारों शिव भक्त कांवड़ लेकर नीलकंठ में दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक कर शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। शिव भक्तों ने देश दुनिया में अमन और शांति के लिए भगवान नीलकंठ से प्रार्थना भी की। वहीं दूसरी ओर शिव भक्तों के कांवड़ लेकर नीलकंठ पहुंचने से स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मंदी की मार झेल रहे दुकानदारों को शिवरात्रि के अवसर पर अच्छी खासी कमाई करने का मौका मिलेगा। बिलासपुर से आए हैं और मेरा नाम विजयपाल है और हम कोविड के चलते हुए अब दर्शन करने के लिए नीलकंठ महाराज जी के आए हैं, तो हमने मनोकामना मांगी थी इसलिए हम दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे। तो हमने दर्शन करे, अच्छा तरीके से दर्शन हुए, तो चुनावी माहौल की वजह से हमारे दर्शन पहले नहीं हो पा रहे थे, अब बढ़िया माहौल से दर्शन हो चुके हैं और हम अब लोग घर वापसी काम उठाएंगे कल को और हम वापसी जाएंगे के लिए रवाना हुआ। श्री कबीर करीब आ चुकी है इसलिए हम दर्शन के लिए आए यहाँ पर। शिवरात्रि में दर्शन अच्छे और माहौल के हिसाब से कांवड़ जाती है। शिवरात्रि 1 तारीख को हम कांवड़ चढ़ाएंगे। लक्ष्मण छाना, मैं दिनेशपुर गाँव है चंडीपुर, ये आए हैं ये नीलकंठ कंठ में भगवान के दर्शन पे। कोविड के पहले ये पहला ही माल है, बहुत बढ़िया मिला हमें दिखने को, माथा टेकने को। दर्शन कैसे हुए? दर्शन बढ़िया हुए हैं। आपको पता है 1 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और कोरोना काल में जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी और अब महाशिवरात्रि के पर्व में देख रहा हूँ कि श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाती है, अभी तक काफी दुर्गम भी हो रही है। यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। यात्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के भारत चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे से होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में देश भर से यात्रा में जाने वाले यात्रियों से आवेदन लिए जाते हैं। दिसंबर महीने में दिल्ली में आवेदन लेने के बाद जनवरी महीने में ही विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में पहली बैठक होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तीसरी वर्ष भी संचालित होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यात्रा को लेकर अभी तक दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई है और न ही तैयारियों को लेकर किसी तरह की पहल हो रही है। इस बैठक में पिथौरागढ़ जिले के जिलाधिकारी, KMVM नैनीताल के MD, ITBP के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। इस बार फरवरी का अंतिम सप्ताह प्रारंभ हो चुका है, ना तो जनवरी महीने में दिल्ली में होने वाली बैठक हुई है और ना ही पिथौरागढ़ में बैठक हुई, जिसे लेकर तीसरे वर्ष भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर संशय बना हुआ है। समुद्र तल से 13,000 फुट की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर है, जो कि पंच केदारों में से एक केदार है और सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक के रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिसमें अक्ष कामिनी नदी बनती है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां ब्याह से पहले तपस्या की थी। तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में पर्यटक हर दिन यहां पहुंच रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 22 तारीख को मौसम बदलने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ निकलने की बात कही है, जिसका प्रभाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। 22 और 23 तारीख को कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश, खासकर गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 फरवरी की है और मौसम इस समय तो साफ ही चल रहा है। तापमान भी करीब सामान्य के आसपास है, चाहे अधिकतम है या न्यूनतम तापमान है, दोनों ही सामान्य के आसपास चल रहे हैं। लेकिन कल 22 तारीख से जो मौसम की एक्टिविटी है वो थोड़ी बदलेंगी और आप देखेंगे कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो निकलेगा और उसका प्रभाव जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 22 और 23 में आप ये कह सकते हैं कि जो है हल्की मध्यम तक की जो बारिश है वो प्रदेश में कुछ जगहों तक में देखने को मिलेगी, खासकर गढ़वाल रीजन और जो हमारे उत्तराखंड कुमाऊं रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें। बाकी जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी, लाइट एक्टिविटी वो रहेगी और ऐसी ही सिचुएशन जो है, इसी तरह की स्थिति जो है 23 तारीख में भी फरवरी को रहेगी।
और इसी के साथ जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कहीं लाइटनिंग हेल है इस तरह की भी जो चीज़ है वो भी देखने को मिलेगी। खासकर हिल्स में अगर बात करें तो हेल एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी उत्तराखंड के। त्योहारी सीजन के आते ही मिलावटखोर खासे सक्रिय हो जाते हैं जिससे जनता की सेहत पर व्यापक असर पड़ता है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाता रहता है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर आर एस कठैत ने हरिद्वार के कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक छापा मारकर निरीक्षण किया। इस दौरान एक बेकरी में गंदगी पाए जाने पर मौके पर फूड लाइसेंस न दिखाए जाने पर उसे जनहित में अग्रिम आदेश तक बंद करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार की कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जो फूड सेफ्टी कमिश्नर उत्तराखंड है उनके निर्देश पे जो है चार टीमें गठित की गई हैं स्टेट लेवल पे, जो है लगातार नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और हरिद्वार तथा देहरादून में लगातार जो है इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्शन के दौरान जो मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमको हमारे द्वारा जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में निरीक्षण के दौरान जो भी उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी निर्माण की प्रोसेसिंग में जो भी कमियाँ पाई जा रही हैं हम उनको जो है उजागर कर रहे हैं तथा तत्काल मौके पे जो कमियां वहां पर पूर्ण की जा सकती हैं उनको उसको करवा रहे हैं तथा जो दीर्घकालिक हैं उसमें जो है धारा 32 के तहत जो है नोटिस दिया जा रहा है जिसके तहत जो है उनको सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। सर भी काफ़ी नज़दीक है तो जो मिलावट हो रहे हैं वो भी बॉर्डर के जरिए यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, इस पर विशेष कोई अभियान? आगामी होली त्यौहार को देखते हुए लगातार इंस्पेक्शन कार्रवाई करने के दौरान क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमारे द्वारा जो है निर्माण इकाइयों से फूड सैंपल लिफ्ट किए गए हैं अभी तक हरिद्वार जनपद में। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।